दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान पर। दोस्तों आज है 4 जून 2020। एक बार फिर से हम आपके लिए आज की 6 बड़ी भर्तियों की अपडेट लेके आए हैं। ऑल इंडिया की वैकेंसीज है, 8वीं 10वीं 12वीं डिग्री डिप्लोमा और भी अन्य योग्यताओं से आप अप्लाई कर सकते हो। मेल और फीमेल बोथ अप्लाई कर सकते हैं। 5000 से ज़्यादा वैकेंसीज है जिनके लिए आपसे आवेदन पत्र मंगाए जा रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि किन किन विभागों के अंतर्गत ये भर्तियाँ निकली है, किस पोस्ट के लिए कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, क्या पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप इन भर्तियों की नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं आज की 6 बड़ी भर्तियों की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, जो फर्स्ट नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है होमगार्ड डिपार्टमेंट में। होमगार्ड विभाग के अंतर्गत होमगार्ड की बड़ी भर्ती निकली है। 2500 नंबर ऑफ वैकेंसीज है। 693 सैलरी पर डे के लिए प्रोवाइड की जाएगी। 8वीं पास कैंडिडेट इस भर्ती का फॉर्म भर सकते हैं। आयु सीमा 18 से 35 वर्ष है। जनरल या बैकवर्ड क्लासेस कैंडिडेट्स के लिए ₹200 एप्लीकेशन फीस है। SC ST EWS MBC कैंडिडेट्स के लिए ₹175 यहाँ पर एप्लीकेशन फीस है। पेमेंट की अगर बात की जाए तो आप ई मित्रा से ऑनलाइन कर सकते हो। सिलेक्शन फिजिकल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। पूरी जानकारी आप नोटिफिकेशन से चेक कर सकते हो। मेल और फीमेल बोथ कैंडिडेट्स के लिए ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हो। राजस्थान जॉब लोकेशन है, home.rajasthan.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट है। डेट की अगर बात की जाए तो ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होंगे 10 जून 2020 से। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 9 जुलाई 2020 है। sso.rajasthan.gov.in गवर्नमेंट पोर्टल से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो सेकंड नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है बैंकिंग सेक्टर में। पोस्ट है इसमें बैंकिंग एसोसिएट प्रोबेशनरी ऑफिसर PO की 1850 नंबर ऑफ वैकेंसीज है। सेली बैंकिंग एसोसिएट के लिए 11,765 से 31,540 है। PO पोस्ट के लिए 23,700 से 42,020 है। ग्रेजुएट डिग्री धारक बोथ पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम आयु सीमा 20 वर्ष है। मैक्सिमम बैंकिंग एसोसिएट के लिए 30 वर्ष है और PO पोस्ट के लिए मैक्सिमम आयु सीमा 32 वर्ष है। आवेदन शुल्क की जानकारी आप नोटिस से चेक कर सकते हो। सिलेक्शन होगा टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। जम्मू एंड कश्मीर जॉब लोकेशन है, jkbank.com ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आवेदन स्टार्ट होंगे 20 जून 2020 से। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की अभी डिक्लेयर नहीं की गई है। उसके बाद दोस्तों जो थर्ड नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है एजुकेशन डिपार्टमेंट में। शिक्षा विभाग के अंतर्गत स्कूल लेक्चरर की भर्ती निकली है। वेरियस नंबर ऑफ वैकेंसीज है। लेवल 12 के अंतर्गत सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री धारक फॉर्म भर सकते हैं। आयु सीमा मिनिमम 21 और मैक्सिमम 40 वर्ष है। जनरल और BC क्रीमी लेयर के लिए ₹350 शुल्क है। नॉन क्रीमी लेयर BC और स्पेशल BC कैंडिडेट जो राजस्थान स्टेट के हैं उनके लिए ₹250 शुल्क है। SC ST PH कैंडिडेट जो राजस्थान स्टेट के हैं उनके लिए ₹150 शुल्क है। पेमेंट आप कर सकते हो मित्रा CSC नेट बैंकिंग ATM कम डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से। सिलेक्शन होगा रिटर्न एग्जामिनेशन और पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। राजस्थान जॉब लोकेशन है, ऑल इंडिया से अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। rpsc.rajasthan.gov.in इसकी ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन कर सकते हो। लास्ट डेट की बात की जाए तो 7 जुलाई 2020 है। आवेदन स्टार्ट होंगे 8 जून 2020 से। फीस पेमेंट की लास्ट डेट भी 7 जुलाई 2020 है। उसके बाद दोस्तों जो फोर्थ नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है यूनिवर्सिटी में। पोस्ट है लाइब्रेरियन, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, मेडिकल ऑफिसर, असिस्टेंट आर्किटेक्ट, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, सिस्टम एनालिस्ट, कंप्यूटर प्रोग्रामर, लॉ ऑफिसर, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, क्लर्क, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, लैंग्वेज टीचर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, जूनियर इंजीनियर, कंडक्टर, JBT ड्राइवर, ANM पियोन, चौकीदार, माली, बेलदार, मेस हेल्पर और सेवरमैन की वेरियस नंबर ऑफ वैकेंसीज है। सैलरी 15,400 से 39,100, 37,400 से 67,700 और कुछ पोस्ट के लिए आप नोटिस से चेक कर सकते हो। 10वीं 12वीं पास के साथ में ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट MCA BBTech BA BCom डिप्लोमा से आप अप्लाई कर सकते हो। आयु सीमा 18 से 45 वर्ष है। जनरल कैंडिडेट्स के लिए कैटेगरी बी के लिए 2000 शुल्क है। कैटेगरी सी और डी के लिए ₹1200 शुल्क है। जनरल BPL SC BPL ST BPL OBC BPL कैंडिडेट्स कैटेगरी बी के लिए ₹1000 शुल्क है और कैटेगरी सी और डी के लिए ₹600 शुल्क है। ई सर्विसमैन जो HP स्टेट के हैं उनको कोई भी शुल्क जमा नहीं करना होगा। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से ऑनलाइन कर सकते हो।
रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू से चयन किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। HP हिमाचल प्रदेश जॉब लोकेशन है, ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। hpunivi.ac.in इस पोर्टल से आप ऑनलाइन कर सकते हो। आवेदन स्टार्ट होंगे कल से। जी हाँ दोस्तों, 5 जून 2020 स्टार्टिंग डेट है आवेदन करने के लिए। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए 26 जून 2020 है। उसके बाद दोस्तों जो 5 नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में टेक्निकल ऑफिसर की भर्ती है। वेरियस वैकेंसीज है। 23,000 रुपये सैलरी पर मंथ के लिए प्रोवाइड की जाएगी। इंजीनियरिंग डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो। मैक्सिमम 30 वर्ष आयु सीमा है। कोई भी शुल्क जमा नहीं करना होगा। सिलेक्शन होगा रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। ecil.co.in पोर्टल से आप ऑनलाइन कर सकते हो। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 22 जून 2020 है। उसके बाद दोस्तों जो 6 और लास्ट नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है पब्लिक सर्विस कमीशन में, लोक सेवा आयोग में भर्ती निकली है। पोस्ट है प्रिंसिपल हेडमास्टर या हेडमिस्ट्रीज ब्लॉक प्राइमरी एजुकेशन ऑफिसर की। 544 वैकेंसीज है। प्रिंसिपल के लिए 15,600 से 39,100 सैलरी है। ग्रेड पे 6,600 है। जो बाकी की पोस्ट है सभी के लिए 10,300 से 34,800 सैलरी है। ग्रेड पे 5,400 है। ग्रेजुएट BA DLED पोस्ट ग्रेजुएट से आप अप्लाई कर सकते हो। 18 से 37 वर्ष आयु सीमा है। अदर कैटेगरीज के लिए 500 रुपये शुल्क है और यहाँ पर 2,500 रुपये एग्जामिनेशन फीस है। SC ST ऑल स्टेट और BC पंजाब स्टेट के लिए 500 एप्लीकेशन चार्ज है, 625 एग्जामिनेशन चार्ज है। PA जो पंजाब स्टेट के उनके लिए 500 एप्लीकेशन चार्ज है प्लस 1,250 एग्जामिनेशन फीस है। EX सर्विसमैन पंजाब स्टेट के लिए 500 ओनली यहाँ पर एप्लीकेशन चार्ज है। पेमेंट की बात की जाए तो आप ऑफलाइन पेमेंट कर सकते हो। सिलेक्शन एग्जामिनेशन से किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। पंजाब जॉब लोकेशन है, ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। PPSC.gov.in की ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है। लास्ट डेट की अगर बात की जाए तो COVID-19 के चलते एक्सटेंडेड कर दी गई है। सबसे पहले 30 अप्रैल थी, उसके बाद 1 जून, अब आप इस भर्ती के लिए 22 जून 2020 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। फीस पेमेंट की भी जो पहले 7 मई थी उसके बाद 8 जून 2020 की गई, अब आप इस भर्ती के लिए 29 जून 2020 तक फीस पेमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी आज के यानी कि 4 जून 2020 की टॉप 6 भर्तियों की पूरी जानकारी। अगर आपको भिन्न भर्तियों के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहीं से किसी भी भर्ती की नोटिफिकेशन की PDF सिंपली डाउनलोड कर सकते हो। लिंक यहीं पर प्रोवाइड किए गए हैं। आवेदन करने के लिए भी यहीं पर आपको लिंक दिए गए हैं। आप किसी भी भर्ती के लिए डायरेक्टली यहीं से आवेदन कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ साथ दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी ही बिग अपडेट अपलोड करते हैं।